हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ कि जो ये कैपीसी है ना, इसमें साइड को साइड सरकाने का तरीका बताने वाला हूँ। मतलब इसको साइड में कैसे सरकाए, इस साइड में इसको साइड करने का तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये साइड करने का तरीका, मतलब ये साइड क्यों किया जाता है वीडियो, मतलब जेसीबी को, ये बूम को। तो दोस्तों, जब भी हम काम करते हैं ना, यहाँ पे जो बांध रहता है या दीवार रहेगी या साइड में हम लोगों को पाइपलाइन खुदाई करने का है, तो उसकी वजह से हम लोग मशीन तो उस साइड में नहीं जाएगा ना, उसको इसको सेंटर करने का है ना, तो मशीन इस साइड में नहीं जाएगी ना। तो इसको हम लोग को, इसको बूम को है ना, इस साइड में सरकाते हैं। यहाँ तक ये लास्ट बाउंड्री यहाँ तक रहता है, यहाँ तक घूमता है, मतलब ये इधर तक आता है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रा क्लैम्प, इसको हाइड्रा क्लैम्प बोलते हैं। यही फिट होता है, इससे फिट होता है। इसका जो वर्किंग होता है, जो वहाँ बटन रहता है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, कैपी सरकाने के लिए जो बटन रहता है ना, यहाँ पे जो बटन है, इसको हम दबा देता है। ये दबाने से जो अपना हाइड्रा क्लैम्प है ना, वो लूज हो जाता है। इसको चालू करने से, बटन स्टार्ट करने से, मतलब वो हाइड्रा क्लैम्प लूज हो जाता है। वो फिट होता है ना, तो चालू हो जाता है। तब वो लूज हो गया ना, क्या हाइड्रा क्लैम्प, वो कैपी लूज हो गया ना, तो साइड में सरक जाता है। तो चलिए हम सरका के देखते हैं, मशीन जेसीबी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया ना कि जो बूम साइड करने का तरीका। तो दोस्तों, ऐसे करते हैं, इसको बटन दबा के साइड में करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटा जरूर दबाए मेरे नेक्स्ट वीडियो आने के।